प्रीता का सच जान उसे घर लाने की कोशिश करने वाला है करण लूथरा, लेकिन राजवीर देने वाला है उसे बड़ी चेतावनी। विलकुंडली भाग्य का जो एपिसोड है वो जबरदस्त आजकल चल रहा है, आप सबको पता ही है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है देखने को मिल रहे हैं। प्रीता को जो है वो होश आ गया है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं लौटने वाली है, ये आप देखने वाले हैं कुंडली भाग्य में। करण घर को बताएगा कि प्रीता जिंदा है, वो उसे वापस घर लाना चाहता है, लेकिन आपको बता दें राजवीर इसकी पूरी तरीके से खिलाफ होगा। वेल, अब तक आप सबने देखा कि किस तरह से राजवीर जो है वो लूथरा फैमिली में एंट्री कर चुका था और किस तरह से राजवीर ने शौर्य को सबक सिखाया। इसी के साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आया, क्योंकि वो अपनी बुआ से मिला था, यानी कि राजवीर अपनी बुआ से मिलकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि राजवीर की जो बुआ है वो ये कहती नज़र आती है कि मुझे तुम किसी की याद दिलाते हो, प्रीता भाभी की। ये सुनकर राजवीर बहुत इमोशनल हो जाता है। बाद में वो पलकी और प्रीता को ढूंढता है तो वो अपने इमोशंस को किसी तरह से छुपाता नज़र आता है। उधर करण प्रीता को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में वो हार मान लेता है। वो प्रीता से कहता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, और इसी के साथ जो है वो ये भी कहता है वो एक दूसरे के साथ मर तो सकते हैं। दोनों आग में बेहोश हो जाते हैं। पलकी उन्हें देखती है और मदद की कोशिश करती है, और आखिरकार राजवीर करण और प्रीता की मदद के लिए आता है और उन्हें आग से बाहर निकाल देता है। इसके बाद की कहानी कुछ इस तरह से होने वाली है। कुंडली भाग्य के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राजवीर पलकी उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हैं, जल्द ही वो अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे करण और प्रीता जो है वो फिर से मिलते हुए। लेकिन अभी इसके लिए जो है आप सबको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि प्रीता की याददाश्त अभी नहीं लौटी है। वो पिछली ज़िंदगी को याद करने की कोशिश करती तो ज़रूर है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ पाता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता है, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला ही नज़र आता है। अपकमिंग एपिसोड में निधि प्रीता को देखती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होने वाली है, और इसी के साथ साथ वो बहुत सारे प्लान बनाने वाली है। सबसे मज़ेदार तो वो सीन आप सबको देखने को मिलेगा जब करण सबको ये बताएगा कि प्रीता जिंदा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। ऐसा हो सकता है कि लूथरा परिवार प्रीता को लाने के लिए उसके घर जाए, लेकिन राजवीर उसे पूरी तरीके से रोकने वाला है कि अगर वो घबरा गई तो वो पैनिक हो जाएगी। हर कोई राजवीर से उसकी पहचान को लेकर सवाल करता नजर आएगा, लेकिन राजवीर जो है वो अभी कुछ भी नहीं बताने वाला है। राजवीर अपने और प्रीता की सच्चाई कुछ भी अभी बताएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजवीर को लेकर करण को पूरी तरीके से शक हो चुका है कि हो ना हो राजवीर ही उसका रुद्राक्ष है, लेकिन अभी फिलहाल किसी को कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। अब देखना होगा कि कब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। इसी के साथ ही साथ अब देखना होगा कि शौर्य का क्या होता है, शौर्य क्या सुधरने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि निधि जो है वो बहुत सारे प्लान करने वाली है। वो किसी भी तरीके से यहाँ नहीं चाहेगी कि प्रीता वापस आए, और इसके लिए वो साजिश रचने वाली है। देखना होगा कि शौर्य और राजवीर किस तरह से निधि से अपनी फैमिली को बचाते हैं। इस वीडियो में बस इतना। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।